हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु जी। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो नए वीडियो अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन के रूप में आपको नए वीडियो प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आज मैं आपको SSC CGL के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पार्ट वन का। दोस्तों, 25 से 26 क्वेश्चन, और मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि मैं SSC CGL के क्विज कम से कम 25 से 26 अपलोड कर सकूं। तो इसलिए मैं रोज कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 25 से 26 क्वेश्चन SSC CGL के मैं बता सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष, लाल ग्रंथि। दोस्तों, ये SSC CGL में 2016 में पूछा गया है, तो आंसर होगा दोस्तों लीवर। नेक्स्ट है दोस्तों, द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, जब एक वस्तु के दो विक्रेता होते हैं, जब एक वस्तु के सिर्फ दो ग्राहक होते हैं, जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं, जब एक वस्तु के दो विक्रेता, दो ग्राहक, दो विक्रेता होते हैं। तो आंसर होगा सी दोस्तों, जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, गरीबी। तो दोस्तों, लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ऑर्निथिफिली किसके द्वारा होता है? घोंघा, चमगादड़, कीड़ा, पक्षी। आंसर होगा दोस्तों पक्षी, ऑर्निथिफिली पक्षी के द्वारा होता है। दोस्तों, ये भी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? सिवी, शाक्या, सौरसेना, सवारा। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्या गणराज्य के थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, शुल्क सूत्र, अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद। तो दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो है शुल्क सूत्र दोस्तों। ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, इसको आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों, आंसर होगा ऋग्वेद। ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी, ये 2013 में पूछा गया था SSC CGL में। दोस्तों नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो दोस्तों, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिमचंद चटर्जी। नेक्स्ट है दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, अरविंद घोष। तो दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। दोस्तों, ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जेलबर्ट, कोपरनिक्स, केल्पर। तो दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिक्स ने की थी। दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो दोस्तों, आंसर होगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। दोस्तों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा सबसे ज्यादा बहुतायत में सबसे ज्यादा हीलियम पाया जाता है दोस्तों। वो तो मोस्ट आईएमपी है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने यह आह्वान किया कि पुन वेदों को अपनाएं? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, ये जिन्होंने आह्वान किया था वेदों के लिए वो थे दयानंद सरस्वती। आंसर दोस्तों होगा दयानंद सरस्वती। दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था दोस्तों। ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है दोस्तों। दोस्तों, मैं जितने आप लोगों को क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों,
वो सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर SSC सीजीएल में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जितने क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो देने में कोई तकलीफ ना हो दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये मोस्ट IMP है दोस्तों, SSC सीजीएल में 2013 में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये आप देख लीजिए एक बार और तैयार कर लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है दोस्तों, ये दोस्तों मोस्ट IMP है, इसको आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अब स्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अवनीति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो दोस्तों आंसर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ये भी दोस्तों मोस्ट IMP है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में समानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में वृद्धि का अभाव। तो दोस्तों अल्प विकसित देशों की जो गरीबी का मुख्य कारण है वो आय में समानता, ये दोस्तों मोस्ट IMP है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूनिटेड एशियन, आइबर्ट, यूनिडेप। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जिसने बनाया था वो है यूनिडेप दोस्तों, ये भी मोस्ट IMP है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए और तैयार कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? शास्त्रिका, मौर्य, शाक्रु। तो दोस्तों बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे दोस्तों, ये मोस्ट IMP है दोस्तों, इसको भी आप एक बार देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों, इसको भी आप एक बार देख लीजिए तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, वजन। जड़त्व की मात्रा है दोस्तों द्रव्यमान, ये भी दोस्तों मोस्ट IMP है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा। तो दोस्तों क्यूरी जिसकी इकाई का नाम है वो है रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्तम परिमाप नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान, ये भी दोस्तों मोस्ट IMP है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए और तैयार कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, ये दोस्तों मोस्ट IMP है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए और तैयार कर लीजिए दोस्तों। न्यूटन के संबंधित पहले नियम और गति का नियम के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए, उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं SSC CGL में दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं इसके कल पार्ट 2 के साथ, धन्यवाद।